का मैच नंबर 11 चेन्नई क्विकन्स बना मुंबई खिलाड़ी। चेन्नई क्विकन्स का पहला डिफेंडर बाहर होगा, ड्रीम रन होने वाला है। लक्ष्मण गवास, ये नाम सबको याद है, ड्रीम रन पूरा खाता खोल लिया चेन्नई क्विकन्स ने। बार यही है कि दौड़ लगाते रहिए, सेंटर लेन का इस्तेमाल, लेकिन सामने सुभाषी स्काईलाइन राम की ओर। दूसरा जो डिफेंडर है ये विजय शिंदे, पोल डाइव। डेढ़ मिनट हुआ नहीं, दो टच कर लिए, तीसरा आ गया। मिनट के आसपास जा रहा है, दो खिलाड़ी मैट पे अभी भी मौजूद है। स्काई डाइव आई है, क्या टच लेके जाएगी, अच्छी वापसी कही जा सकती है। रामजी कश्यप यूसेन बोल्ट की तरह रफ्तार पकड़ते हैं। एक आसान सा टच था, इनकी सिर्फ एक ही कोशिश होगी, वो ये कि सेंटर लेन को ना छोड़े। पोल डाइव अनिकेत पोते, मदन को बाहर किया। पिछली बार भी जब इस बैच में मदन आए थे, वो पहले खिलाड़ी बने जो बाहर गए। स्काई डाइव, ये अनिकेत को थ्रो मिलता है, राम जी ने उनको छुपाया डायरेक्शन से, ड्रीम रन पूरा किया राम जी कश्यप ने। ये एक टच मिल जाएगा, 10 पॉइंट की लीड बन जाएगी। अंतिम डिफेंडर जो बचे हैं रॉकेसन, क्या करेंगे रॉकऑन। ड्रीम रन, ड्रीम रन पूरा, टारगेट रिविजन हो गई है। 8 पॉइंट अभी और चाहिए, 4 टच और हो गया। हवाई टच, रिव्यू नहीं मांगा, अपने कोच की तरफ देखा, कोच ने कहा रिव्यू मत मांगिए। स्काई डाइव लगी है, 2 मिनट और 2 टच और करने हैं, और 2 टच अगर आपने इस मैच में नहीं किए तो फिर दिक्कत आ जाएगी। दूसरा शिकार चेन्नई क्विक गन्स, चौथा मैच और अभिजीत, एक मैच ड्रॉ रहा, तीसरी जीत मिली है।